नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर यह आर्ग्यू करेंगे कि रिजर्वेशंस एक्चुअली में इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, इतना कोशिश करते हैं सीटें लाने की, हमारे लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं और वहां पर कोई अनडिजर्व आदमी हमारी सीट ले जाता है। मेरी राय में ये एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है पूरी सिचुएशन को यहाँ पर देखने का, क्योंकि इमेजिन कीजिए आप यहाँ पर 100,000 लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, एग्जाम लिखते हैं 100 सीटों के लिए, इन 100 सीटों में से 50 सीटें रिजर्व है मान लीजिए। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आप 100,000 लोगों में से अगर यहाँ कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ 100 सीटों के लिए, तो वैसे ही कितना मुश्किल है ये करना, और 100 की जगह अगर ये सीटें 50 हो जाती हैं तो क्या डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा कोई फर्क पड़ता है यहाँ पर? लेकिन एट द सेम टाइम इमेजिन करिए, यहाँ पर 100 की जगह 1,000 सीटें होती जिस पर आप 100,000 लोग कम्पीट कर रहे होते और फिर 50% रिजर्व होती, तो 500 सीटों के लिए यहाँ पर आप एग्जाम लिखते और वहां पर 50 सीटों के लिए लिख रहे थे। इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन को ब्लेम करना सही नहीं है। यहाँ पर एग्जाम अगर इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव है और सीटें इतनी कम है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। सरकार को बोलिए कि यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज बनाए और स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जिससे कि सीटें सबके लिए ज्यादा हो सके, या फिर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए जिससे कि लोग और फील्ड तक जा सके और नौकरियां अवेलेबल हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया इस वीडियो को शेयर।